हमारे रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह पाक बरकत डाले हमारे आपके खानों में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फिंगर पोटैटो ऑमलेट। बहुत मज़े का बनता है, एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें इसको बनाना। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हम मीडियम साइज़ में दो आलू लेंगे, तो उनकी करते हैं कटिंग। बिस्मिल्लाह। तो इस तरह फिंगर शेप में, तो चलें इनको निकालते हैं एक बाउल में। तो अब इसमें ऐड करेंगे दो अंडे की जर्दी। तो सफेदी आप अलहदा कर लें। तो अब इसके ऊपर लाल मिर्च पाउडर आप अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 2 टेबलस्पून हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। तो चले इनको मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाह। इस तरह 2 चम्मच की मदद से आप ये मिक्स हो चुके हैं। तो अब इसमें हम 2 चम्मच चावल का आटा ऐड करेंगे, तो इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको भी उसी तरह आप मिक्स कर लें। चलें तो फ्लेम को करते हैं ऑन, तवे को गर्म करेंगे। तो ऑयल लगाएंगे तवे के ऊपर, तो ब्रश से फैला दें 2 चम्मच ऑयल आप इस तरह से। तो तवा गर्म करने के बाद आप इसको पलट दें तवे पे। तो इसको ऑमलेट की तरह फैला के तो साइडों पे आप ऑयल लगा दें और 2 से 3 मिनट तक हम इसकी वन साइड को पकाएंगे। तो साइडों पे ऑयल लगाएं और 2 से 3 मिनट तक हम इसको मीडियम लो फ्लेम पे पकाते हैं। तो अब अंडे की जर्दी को हम इसके ऊपर फैलाएंगे, इसको हल्का सा फैला दें ब्रश की मदद से इस तरह से। और अब इस अंडे की जर्दी के ऊपर आप कलवंजी लगा दें, हरा धनिया लगाएं, तो अब वेट करेंगे इसका 2 से 3 मिनट तक। तो चेक करते हैं इसको। तो चलें इसकी साइड को बिस्मिल्लाह आराम से चेंज करेंगे। अब 2 से 3 मिनट ही हम इसकी दूसरी साइड को पकाते हैं, बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे। तो चेक करते हैं इसकी दूसरी साइड को। बिस्मिल्लाह। तो ये देखें, ये जबरदस्त से रेडी हो चुका है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हम इसको और पकाते हैं, तो ये बिल्कुल तैयार है। तो चले इसको उतार लेते हैं। तो फिंगर पोटैटो ऑमलेट रेडी हो चुका है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।